जय जय श्री राधे। भक्त संघ से बड़े बड़े दुष्कृतकारी भी सज्जन हो गए हैं, ऐसा बहुत सारे प्रमाण है। इसीलिए रामायण में कहे पहले भक्ति सज्जन करो संगा, पहले भक्ति संत के संग से ही मन की जो परिवर्तन ये होना संभव है। ये स्वभाव बनता है संग के कारण, संगं संग जायति दोषा, जैसे संग ऐसे रंग लगता है। देखा गया है बहुत अच्छा अच्छा भजन आनंदी भी दुष्ट संगत में पड़ करके उनका भजन फजन सब छूट गया। देखा गया वो भी बहिर्मुख हो गया, वो भजन स्प्रिहा एकाग्रता निष्ठा सब नष्ट हो गई है। और ऐसा भी देखा गया है बहुत सारे दुर्जन भी महत संग से साधु संग से उसका परम मंगल करने में समर्थ हो गया है, संग के कारण, संग से रंग लगता है। और भगवत संग के ऐसा है ना, जैसे मान लीजिए आप खेत में पानी दे रहे हैं ना, फसल उगाने के लिए पानी दे रहे हैं खेत में, तो उसमें जो परगाछा है ना, खरपतरा है, उसको भी खाद पानी स्वाभाविक मिल जाता है। आप तो खरपतरा के लिए पानी नहीं दे रहे हैं, खाद नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ रहने के कारण उसको भी खाद पानी मिल करके वो भी पुष्ट हो जाता है। फिर खेत वाले तो देखते हैं अरे बहुत सारे खरपतरा इसके अंदर हो गया है, तो अलग बात है, लेकिन उसको स्वाभाविक मिल जाता है उसके संग में रहने के कारण। उसको कौन खरपतरा को कौन पानी देगा, कौन खाद देगा है? लेकिन जब फसल के साथ रहते हैं तो वह स्वाभाविक उसको मिल जाता है। तो ऐसे ही संत के संग में रहने से मंगल स्वाभाविक हो जाता है, हरि कथा सुनने का मौका मिल जाता है, परम मंगल साधन का मौका मिल जाता है, जो कि उसके जीवन में होना संभव नहीं, लेकिन संत संग से ऐसा होना संभव है। बड़े बड़े दुर्जन भी संत संग से महत बन गए हैं, संत संग ऐसे हैं। हमारे बंगाल में एक महापुरुष थे, बड़ी उच्च कोटि के, उनका नाम था राम ठाकुर। बंगाल में सुने हैं सब, बंगाल में जो रहते हैं वो जानते हैं। उनके बहुत सारे शिष्य था, तो एक परिवार में एक महिला थी, संयोग बस उनसे दीक्षा लेने का, उनका कृपा प्राप्त करने का मौका मिल गया है, लेकिन घर का परिवेश ऐसा नहीं था। उनका पति था एक महादुर्जन, ऐसा कोई कुकर्म नहीं था, ऐसा कोई अपकर्म नहीं था जो करता नहीं था, सब भरा हुआ था। और भगवान का बहुत विरोधी थे, भगवत भजन के नाम से वो चिढ़ जाते थे। तो घर में उनके पत्नी, वो तो पूर्व जन्म के संस्कार वश तो दीक्षा प्राप्त करने में समर्थ हो गए महापुरुष का, चुपचाप भजन करते हैं, पति जान ना पाए। पति कभी देख लेते हैं जो पूजा कर रही है तो बड़ा नाराज हो जाते हैं, गाली देते हैं बड़े जम के, बहुत अशांति फैलाती है। अब क्या करेंगे, अब भजन तो करना ही है। जिसका एक बार भजन में मन लग गया, जिसका चित्त वृत्ति एक प्रभु के चरण में जब लग गया है, तो वो तो छोड़ नहीं सकता, किसी भी अवस्था में किसी भी परिस्थिति में छोड़ना संभव नहीं, छोड़ना उचित भी नहीं। वो तो भजन करती है मैया, लेकिन घर में इतना अशांति, सबसे बड़ी बात है उसका पति सब उल्टा पलटा खाना, ऐसा कोई कुखाद्य नहीं था जो खाता नहीं था, हर प्रकार का घर में उनके लिए अलग रसोई बनाना पड़ता था। वो तो चुपचाप दुबक के अपना शाकाहारी जैसे हो
बना लेती थी, लेकिन पति के लिए बनाना जरूरी था। शराब पीते थे, मीठ आदि के साथ शराब भी चाहिए, उसको भी परोसना जरूरी था, पति को परोसना पड़ता था। बड़ा उद्दंडी था। फिर और भी नहीं, और भी बहुत सारे अवगुण, घर में मन नहीं लगता था, बाहरी में मनोवृत्ति उनके बाहरी में ज्यादा लगता था, रात में चले जाते थे, घर से निकल करके जहां तहां चले जाते थे। तो मैया ने अपने गुरुजी के चरण में जाकर के निवेदन किए हैं, बाबा अब हमारे पतिदेव को जीवन दान कीजिए, उनको कृपा कीजिए। वो ऐसे उद्दंडी है, उनके घर घर में रह करके उनके साथ रहना बड़ा भारी पड़ गया, बाबा भजन तो होता नहीं है, सबसे बड़ी बात है इसका जीवन विपन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इससे मैं दुखी हूं ज्यादा, ये नरक का रास्ता ढूंढ लिया है। ऐसा कोई अपकर्म कुकर्म है नहीं जो करता नहीं है, बाबा आप तो सामर्थ्य महापुरुष हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, आप कृपा करके उनके जीवन में परिवर्तन ला दीजिए, बाबा उन पर कृपा कीजिए। चरण पकड़ के बहुत रोती है मैया, तो गुरुदेव का दया आ गई, कहते हैं तू तेरे पति को एक बार ले आ मेरे पास, पति को एक बार ले आ मेरे पास। बोलते बाबा ये तो कोई रकम अवस्था में परिस्थिति में ये तो संभव नहीं है, यहां ना आएंगे, यहां नाम करने से तो वो तो अशांति फैला देगा पहले ही, गुरु पुरुष साधु संत ये तो उनका दुश्मन है, जाना तो बहुत दूर की बात है, साधु संत ये सब दुश्मन जैसे लगता है। तो बोलते कैसे भी हो एक बार तू ले आ, क्या करेंगे। तो क्या करना शुरू किए हैं मैया ने, पोती का इतना सेवा करना शुरू की है, जो चाहते हैं उसी में राजी, सुबह से रात तक पोती की सेवा में जो जैसे चाहते हैं जैसे कहते उसी में ही राजी, जैसे जी जान दे के उनका प्रसन्नता ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा महीना भर करने के बाद पति के मन में थोड़ा सा दया आई है, अरे हमने तो इसके ऊपर बहुत इसके साथ बहुत दुर्व्यवहार किए हैं, इसके जीवन के प्रति हमने तो ध्यान नहीं दिया, ये हमारे इतना सेवा की है, इसको तो कुछ देना चाहिए, कुछ मांगे तो मैं दूंगा, पैसा भी था। तो बोलते अच्छा देखो तुमने तो हमारी बहुत सेवा की है, तुम हमसे कुछ मांगो, तुम्हारा मन जो चाहे, कोई गहना हो, उनका जो मन में जो भावना है ऐसा हो, कुछ साड़ी हो बढ़िया साड़ी, चलो एक बार मार्केट में चलो, तुम्हारा जो मन मनपसंद चीज चाहे तुम्हारे लिए हम खरीद देंगे, चलो। बोलते ना हमको तो ये सब कुछ नहीं चाहिए, तो बोलो मैं क्या दे सकता हूँ, कैसे तुमको खुशी कर सकता हूँ। बोले आप हमको खुशी करना चाहते हो, हाँ जरूर चाहता हूँ। तो देखो तुम हामी भरो पहले। बोले अच्छा ठीक है मैं हामी भरता हूँ, बोलो अगर मेरे सामर्थ्य में है तो मैं हामी भरता हूँ। बोलता है तुम चलो ना मेरे साथ मेरे गुरुदेव के वहाँ एक बार दर्शन करके आ जाना। ये हो हमको बोलना नहीं, और सब करने के लिए तैयार है, साधु संत मंत ये सब ढोंगी, ये सब कपटी, ये सब लोग ठगने वाले हैं, इन लोगों का इनके पास जाने के लिए हमको नहीं बोलना है, गुरु पुरु ये सब ढोंग ढांग ये सब ठोगी है, इन लोगों के पास जाना ये हमारे द्वारा संभव नहीं है, ऐसा मत बोलना, ये हम साधु संत से बहुत नाराज है हमारे, ये साधु संत मंत कुछ नहीं है, सब ढोंगी है, ऐसा ही दिखावा है, सब पैसा ऐंठने के लिए सब चेला चीटी बनाते हैं, ऐसा है तैसा है, बात बहुत बदनाम बहुत किया है, देखो मैं ये काम करने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो बोलता तुम जाके एक बार मिल के दर्शन करके आना। बोले ये भी होगा नहीं, वो दर्शन करने से हमारा चीड़ लग जाता है भीतर में, जलन शुरू हो जाता है दर्शन, तो हमको तो और कुछ नहीं चाहिए। बोले तब जाओ तुम जाओ, हम साधु संत से हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर सेवा करना शुरू किए हैं, सेवा करते करते फिर कहते हैं एक बार चलो ना तुम सिर्फ दूर से एक बार दर्शन करके आना, गुरुदेव जी भी ऐसे ही कहे हैं, एक बार दूर से हमसे मिला देना, दूर से
बस भीतर थोड़ा आ जाए, मेरे नजर में पड़ जाए, नजर का सामने आ जाए। पाम पकड़ के रोना शुरू कर दिए, तुम मेरे साथ चलो ना। हम ये नहीं कह रहे हैं तुम हमारे गुरुदेव को दंडवत करो, प्रणाम करो, कुछ भेंट प्रणामी चढ़ाओ, हम तो ये नहीं कह रहे हैं। तो क्या कहना चाहती हो तुम? ना मैं कह रही हूं तुम जाके दूर से एक बार दर्शन करके आ जाना। अच्छा ठीक है, हम भीतर नहीं जाएंगे, हम बाहर से एक बार देख के आ जाएंगे, भीतर तो करेंगे। तुम्हारे अनुरोध के कारण ऐसा तो हम करते नहीं है कभी, कोई संत संत का दर्शन फर्शन नहीं है, हमको पसंद नहीं है ये सब ढोंग ढंग, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है तुम चलो तो सही। तो बहुत अनिच्छाकृत पति देव चले हैं उनके साथ, जा करके दरवाजे के पास जा करके गुरुदेव बैठे हैं दूर आसन में, और गुरुदेव नजर डाले हैं उनके ऊपर, उनका भी नजर पड़ गया गुरुदेव के ऊपर। वहीं पर महापुरुष है ना, शक्ति संचार कर दिए हैं भीतर में, उसके अंदर शक्ति संचार करके परिवर्तन का एक बीज डाल दिए हैं एकदम। ऐसे ऐसी शक्ति बड़े बड़े महापुरुष में होती है। तो जब नजर में नजर दे करके जब देखे, देखने लगे, तो भीतर में एक करंट सा पैदा हो गया। एक करंट जैसे भीतर में एक परिवर्तन आ गया, तभी से ही उसके मन में अलग भावना हो गया। पत्नी के साथ आ रहे हैं, कैसे देखे हो हमारे गुरु जी को? नहीं हमको साधु संत से था हमारा कोई मतलब नहीं, ना साधु संत के पास हम जाते नहीं, ना हमारी श्रद्धा है, लेकिन ये जो ये आदमी अच्छा आदमी है ऐसा महसूस हुआ मेरे को। ये आदमी अच्छा आदमी है ऐसा तो लग रहा है, लेकिन कोई ढोंगी भोंगी नहीं है, ये अच्छा आदमी है मेरे को तो ऐसा लगा है। तुम्हारे गुरु जी एक अच्छा आदमी है, ठीक है। तो फिर गए गुरु जी के पास, गुरुदेव हमारे पतिदेव के अंदर तो कोई परिवर्तन दिखते नहीं, बोलता ले आना और दो एक बार हमारे पास ले आना। तो फिर सेवा करने लगे, खूब सेवा करने लगे, सेवा करते करते फिर पतिदेव प्रसन्न हो गए हैं, तो बोलते चलो ना और एक बार हमारे गुरुजी एक बार आग्रह किए हैं, तुम उनके पास जा करके एक बार उनको दर्शन करो। नहीं हमको वो ढंग ढंग पसंद नहीं है, हमको साधु संत मानते नहीं है। हाँ तुम्हारा गुरुदेव अच्छा आदमी है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम जाके उनके चरण छुएंगे, उनका सेवा करेंगे, ये सब हमसे होगा नहीं। अरे कोई बात नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम सेवा करो, तुम प्रणाम करो, उनके सामने जा करके उनसे एक बार दर्शन करो ना। चलो ठीक है, उसके मन में तो थोड़ा दुर्बलता पहले से आ गई है जब पहले दर्शन में ही। फिर गए हैं, इस बार सामने गए हैं, आंख से आंख मिलाए, अरे गुरुदेव ऐसे फोकस डाल दिए हैं उसके भीतर में, एकदम बिल्कुल परिवर्तन कर दिया, उससे रहा नहीं गया, प्रणाम किया चरण स्पर्श करके। स्पर्श करने का साथ साथ विशाल परिवर्तन। अब घर में आते हैं लेकिन पहले जैसे नहीं, शांत स्वभाव, जैसे कुछ खो गया है, बहुत विशाल कुछ जीवन में खो गया है, जैसे कोई अनमोल वस्तु खोने से जैसे चिंता में रहता है, ऐसा ही हो गया। पत्नी पूछती है क्या तुम्हारे क्या हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं। वो दिखते हैं उनके मन में भावना बदल गई, हमारे जीवन में हम तो बेकार हो गया, हमारा मानव जीवन चौपट हो गया, हमने तो बहुत गिर गया, अब इससे उद्धार होने का क्या। ये जो विवेक जागृति कर देते हैं महापुरुष, महापुरुष ये शक्ति संचार करके उसके विवेक को जागृति कर देते हैं। बहुत सारे परिवर्तन आ गया, तो बोलते चलो ना तुम हमारे गुरुजी के पास और एक बार चलो। अब चलो, हाँ हमारे भी अच्छा नहीं लग रहा, तुम्हारे गुरुजी को हमको अच्छा ही लग रहा है, चलो आप खुद ही कह रहे हैं, चलो तुम्हारे गुरुजी के पास जाएंगे। चलो गए हैं गुरुजी के पास, गुरुजी से बात किए हैं, प्रणाम किए हैं, गुरुजी कहते हैं हमसे कंठी ले लो।
तो बोलते हैं बाबा कंटी तो हम ले लेंगे लेकिन हमारा आदत तो हम छोड़ नहीं पाएंगे, हम उल्टा पलटा खाते हैं, उल्टा पलटा जगह घूमते हैं, ऐसा कोई नशा नहीं है जो हम नहीं करते हैं। तो कंठी लेके हम क्या करेंगे बाबा, ये तो बदलना हमारे द्वारा संभव नहीं है, ये तो छोड़ना हमारे द्वारा संभव नहीं है। बोलते कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर, तेरे को करने के लिए हमको कोई मना नहीं है, तेरा मन में जो चाहे वही करना। हाँ लेकिन एक बात याद रखना, हमको जो भी काम करेगा उस समय हमको याद करना, खाएगा तो उस समय हमको चिंता करके खाना, कहीं जाना है तो हमको चिंता करके निकलना। तेरे को और कुछ कोई कर्म छोड़ने के लिए हम नहीं कह रहे हैं, तेरा मन चाहे मन जो चाहे वही कर्म करना। अच्छा ठीक है, ऐसा हो तो हम कर सकते हैं, हमारे द्वारा तो भजन भजन होगा नहीं। तो गुरु ने कंठी दे दिया, मंत्र दे दिया, उससे उसके अंदर विशाल परिवर्तन आ गया। अब वो स्वभाव छोड़ता नहीं है, शराब पीता है, शराब पीते समय गुरु जी ने आदेश किए हैं हमको चिंतन करना। तो जब चिंतन करते हैं देखते हैं उस शराब के अंदर गुरु जी की मूर्ति, गुरुदेव कहते हैं वही वही शराब के अंदर गुरु मूर्ति, ऐसा कहते हैं पीना नहीं पीना नहीं, पीने जाते हैं गुरुदेव को देख रहे हैं छोड़ देते हैं, उल्टा पलटा खाते हैं वहां देखते हैं गुरुदेव ऐसा कर रहे हैं खाना नहीं, कहीं बाहर जाएंगे कहीं गुरुदेव को चिंतन करते हैं जाना नहीं, ऐसा करते करते उसके अंदर इतना परिवर्तन हो गया, शराब छोड़ दिया, उल्टा पलटा खाना छोड़ दिया, कहीं इधर उधर जाना छोड़ दिया, फिर नाम ही करना शुरू कर दिया, माने इतना परिवर्तन। आखिर में वो घर में घुसता नहीं था, उसके अंदर इतना जलन, जो हमने इतना पाप किया है ये हमारे परिशुद्ध होने के लिए परिशुद्ध करने के लिए हमारा कोई उपाय नहीं है, वो जहाँ जूता चप्पल रखते तो वहीं पर सोते थे, जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया और एक भजन आनंदी साधु बन गया। ऐसे तो साधक जीवन में भी ऐसे जब तक अपने अंदर अंतर्दाह नहीं होता है तब तक उसका परिशुद्ध होना संभव नहीं है। परिशुद्ध माने एक अंतर्दाह, पूर्व कृत कर्म के कारण, कर्म में वो चिंता करके भीतर में एक अंतर्दाह जलन, ये होना बहुत जरूरी है साधक जीवन में। जब तक हमारे अंदर ये अंतर्दाह नहीं होता है, हम अपने को साधु मानते हैं, संत मानते हैं, अच्छा मानते हैं, भजनानंदी मानते हैं, तब समझ लेना अभी हमारे ऊपर कृपा बरस नहीं रही है, कृपा फलीभूत तो नहीं हो रहा है। अंतर्दाह जलन होना जरूरी है। छोटी सी भूल के लिए भी एक कष्ट होना चाहिए, छोटी सी भूल भी कभी हो गया उसके लिए एक जलन पैदा होना चाहिए, हमसे ये भूल कैसे हो गया, हम भजन करने आए हैं हमारे द्वारा ये भूल, ऐसा होना नहीं चाहिए। अपना विवेक उसको टोकते हैं, बड़ा जलन होता है। इस तरह से उसका अंतकरण को परिशुद्ध करके फिर उस शुद्ध हृदय में भक्ति देवी इनके अंदर बीज बपन करते हैं, भक्ति रूपी बीज पैदा होता है वहाँ। तो ऐसे ही महापुरुष के सान्निध्य में रहना, साधु संग में रहना परम मंगलप्रद। अगर ऐसा मौका मिल गया तो बड़े आदर के साथ जतन के साथ उसको आदर करके उसको सेवन करना चाहिए, और उस समय को आदर करके समय का सद्व्यवहार करना चाहिए, सद्व्यवहार करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय जय श्री राधे।